दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया। ऐसा ही एक रहस्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर में है जो सदियों से अनसुलझा ही है, यानी इसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा है जो सबको हैरान कर देता है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहां पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पार्यत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीधे में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जाता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। पूरी जानकारी के बाद यह सवाल उठता है कि ना उस समय विमान था ना सैटेलाइट, तो लोगों ने इसके बारे में कैसे पता लगाया? यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।